नमस्कार। तो अस ये वीडियो में ये वीडियो का जो कंटेंट है, ये इस कंटेंट में हम कुछ मतलब कुछ सवाल जवाब मतलब हम खुद ही मतलब ये करने के लिए वीडियो में आगे आया है। तो इससे पहले जितने भी मतलब ये मेरा चैनल में जितना भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा ये नोसी लोबम यूट्यूबर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक मतलब थोड़ा इस टॉपिक में कुछ कुछ पॉइंट में हम मतलब कुछ बात करने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जितना सके ये वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्त, मेरा नाम जॉन है, मैं पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से हूँ। और तो इसमें कुछ सवाल हम किसी किसी लोग से मतलब ना वो किसी किसी से हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो बात है, तो ये ट्रेडिंग एफेक्ट्स को लेके ही होगा, लेकिन मेरा ख्याल से शायद ट्रेडिंग एफेक्ट्स का बारे में तो शायद आज ये लास्ट वीडियो भी हो सकता है, और आगे नहीं बोल सकता है, शायद दूसरा वीडियो बना भी सकता है या कुछ बात नहीं भी कर सकता है। तो बहुत दुख का साथ में मतलब ये कुछ मतलब ना बहुत दुख का साथ में हमको ये वीडियो हमको शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि आज ऐसा हालत में है कि मतलब ना बात बोलने मन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ बात उठ किसी से बात करने भी मन नहीं हो रहा है, कुछ वो भी करने मन नहीं हो रहा है। आज ऐसे मतलब दिल मतलब टूटा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि ट्रेडिंग एफेक्ट्स का जितना भी मेंबर्स है, आप सभी को एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं। जब आपका घर में ट्रेडिंग एफेक्ट्स का प्लान लेके कोई गया था, जो भी हो, हम लोग का खास करके ये फाउंडर मेंबर लोग का मेंबर लोग से हम बोलना चाहते हैं, जो लोग छुप के बैठा हुआ है, जैसे कि कृष्णा प्रसाद भूमिश, प्रफुल्ल बड़ा, सीमांतो बरुआ, और ये क्या बोलते हैं आपका विश्वजीत कुंवर, और क्या नाम है, प्रदीप कलिता, ये जितना लोग आज मतलब गायब है। और ऑलरेडी एक तो रंजीत काकोटी सर तो ऑलरेडी आपका जेल में बंद है, सो बात अलग है। तो हम एक ही बात को हम ये करना चाहते हैं कि मतलब अगर ये मेंबर्स लोगों ने अगर ये अगर रंजीत काकोटी सर ने रंजीत काकोटी ने अगर कुछ अगर स्कैम किया है या कुछ फ्रॉड किया है, तो सबसे पहले वो अकेला नहीं था, इसमें और 5-6 लोग था। तो इन लोगों को क्यों जेल में क्यों नहीं घुसा है, इन लोगों को भी जेल में पकड़ के घुसाई है। और नेक्स्ट जो बात है, और ये सिस्टम को जो डिजाइन किया है, तो ये डिजाइन करने वाला को मेन इन लोगों को भी पकड़ना है। हमको मतलब गवर्नमेंट से यही एक अपील है कि उन लोगों को भी पकड़ के मतलब लाइए, क्योंकि इसमें हम जैसे साधारण आदमी का कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है अनपढ़ है। हम लोग देखिए, हम लोग जो भी चीज़ को देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ को अगर काम करने से पहले हम लोग क्या चाहता है कि मतलब ये कंपनी का डॉक्यूमेंट्स तो होगी हम लोग को, मतलब डॉक्यूमेंट्स है ना नहीं है उतना तो होगी हम लोग पूछने का, हम लोग का एक मतलब हम लोग का उतना ही समझ में है जितना भी हम लोग का साधारण जो आदमी है। तो इसमें क्या हो गया अभी, अब एक बात को गौर कीजिए, तो हम लोगों को जो है सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया था, एक ISO सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद में कुछ ट्रेडिंग वगैरह का और कुछ ये दुबई का ऑफिस का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग को दिखाया गया था। तो हम लोग को भी लगा कि मतलब नहीं, अगर दुबई का डॉक्यूमेंट्स दिखा के अगर यहाँ में अगर सर्टिफिकेट दिया है तो कंपनी कहीं ना कहीं लीगल है, ठीक है। वही सबको सोच के हम लोग का साधारण जनता का तो वही एक तो ये है ना, डॉक्यूमेंट्स है तो सही है। इस चीज़ में तो हम लोगों ने अपना पैसा भी 2-1 रुपया जो भी हो कहीं से लेके हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का बात जो दूसरा जो बात है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को मतलब हम लोगों ने शायद इसको प्लान भी दिखाया, और उसमें हम लोगों ने वैसे ही हम लोगों ने हुआ, क्योंकि किसी को किसी किसी का स्टोरी सुन के, किसी किसी का कहानी सुन के, किसी किसी का लाइफ स्टाइल चेंजिंग होते हुए देखते हुए तभी जाके हम लोगों ने मतलब इस सिस्टम में हम लोग काम करने के लिए हम लोग मतलब मोटिवेट हुआ है।
तो उस मोटिवेटर लोग को आप लोग ये कीजिए। अगर हम और एक बार बोलना चाहते हैं इससे पहले, अगर ट्रेडिंग एफएक्स का सिस्टम अगर खराबी था तो शुरुआत में ही इसको चलने क्यों दिया है? ऑलरेडी साल भर, दो साल, डेढ़ साल यहाँ में चलने का बात में, इतना सारा आदमी पैसा इन्वेस्ट करने का बात में, तो ये बीच में अचानक ऐसे क्यों किया, क्यों ऐसे किया है, मतलब ना क्यों इसको बंद करवाया है? मेरा सवाल जो ये है, क्यों बंद करवाया? अभी देखिए, आज थोड़ा पहले हमको सुनने में आया, असम में कोई एक नया कोई लड़का हम सुनने में आया, मतलब कोई एक मेंबर है था, मतलब बहुत दुख का साथ हमको बताना पड़ रहा है कि उनका मतलब जो घर संसार, घर गृहस्थी बसाने वाला भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने भी मतलब इस दुनिया को त्याग देने के लिए मजबूर हो गया। ये चीज़ तो मतलब ये कैसे, ये चीज़ तो क्यों ऐसा, क्यों इतना तो होने तक, मतलब इसका जिम्मेवार कौन होगा अभी? और जितना सारा लोग अभी देखिए, इतना सारा लोग जो है, खास करके हम लोग का फाउंडर मेंबर लोग, इतना सारा प्रॉपर्टी बना लिया, तो क्या सिर्फ आदमी को अरेस्ट करके रखने से थोड़ी होगा? प्रॉपर्टी सॉपर्टी सब सीज कीजिए, उन लोगों को पकड़ के सजा दीजिए। और हम लोग का साधारण आदमी का, हम लोग का क्या गलती है? तो कहीं ना कहीं हम लोग का पैसा को हम लोग को वापस कराने से ठीक है, मतलब हम वही ये करते हैं। बहुत सारा आदमी ऐसा है, हमको फ़ोन करके कोई बोलता है कि देखिए कोई आधा पैसा लोन में, आधा पैसा अपना ज़मीन बेच के, आधा पैसा क्या क्या करके, कैसे कैसे करके अपना गोल्ड लोन लेके, क्या क्या करके, बहुत कुछ करके, मतलब पैसा वगैरह को उसमें इन्वेस्ट किया है। तो लेकिन वो तो हम लोग का दिल में है वो चीज़ जो, लेकिन अगला अभी ये देखिए, अभी बैंक वाला अभी डिस्टर्ब करता है, जो जिसको ईएमआई वगैरह देना है वो डिस्टर्ब करता है, अभी डिस्टर्ब नहीं करता है वो लोग अभी, जो सही बात है, जो अगर लिया है तो उसको देना पड़ेगा। अभी हम लोग कहाँ से देगा वो सब पैसा, कहाँ से वापस देगा? इसी के लिए हम मतलब जो हम लोग का ये चीज़ तो को देख रहा है, जो हम लोग का क्या बोल रहे हैं, हम लोग का असम का जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है, मतलब चीफ मिनिस्टर सर, मतलब मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर, उनसे मैं डायरेक्ट अपील करना चाहता हूँ, सर प्लीज़ जितना भी मेम्बर्स है, सर मेरा नाम कुछ गलत हो तो प्लीज़ आपसे हम पहले माफ़ी चाहते हैं सर, क्योंकि आप जैसे हम लोग तो इतना समझदार लोग नहीं है सर। और मेरा नाम दोगुम नोसी है सर, मैं पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। तो इसमें प्लीज़ जितना भी ये जनता है सर, आप तो चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं सर, आपका हाथ में सब कुछ है, आपका हाथ में पूरा सिस्टम है सर। तो प्लीज़ सर, ये हम लोग का जितना भी मेंबर्स लोग है, यहाँ में करीबन 3 लाख से 4 लाख आदमी हम लोग का ट्रेनिंग एफएक्स में काम कर, पैसा थोड़ा मोड़ा कुछ मिलेगा सोच के सर इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखा है सर। तो बहुत इन लोगों का पैसा को सर प्लीज़ जैसे भी हो वापस करवा दीजिए सर, सब आपका हाथ में है सर, आप कर सकते हैं। क्योंकि तो नेक्स्ट जो है सर, और जितना भी इन लोगों ने अगर ये सिस्टम को अगर ख़राब सिस्टम बनाया, क्योंकि सर हम लोग उस चीज़ से हम लोग मोटिवेट हुआ था देख के, क्योंकि एक ही चीज़ से हम लोग मोटिवेट हुआ था, जैसे ही नरेश दहिया, रंजित काकोटी, कृष्णा प्रसाद भूमिस और ये विश्वजीत कौर, प्रदीप कलिता, ये लोग को ये बहुत सारे मेम्बर्स लेके नाम मालूम नहीं है, जैसे आपका चीफ मिनिस्टर फंड में जब 5 लाख रुपीस मतलब चीफ मिनिस्टर फंड में जब देते हुए जो वो फ़ोटो को देखा सर, उस फोटो में हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। मोटिवेट होने के बाद में हम लोग इस काम को जेन्युइन समझा सर। तो जेन्युइन समझ के हम लोगों ने अगर सीएम सर का सपोर्ट अगर इस कंपनी में है तो तब तो ये कंपनी कभी ख़राब नहीं हो सकता है, ये इलीगल नहीं हो सकता है। हम लोग का साधारण जनता का दिमाग में हम लोग वही बात को सोचा है सर। तो इसी के लिए मतलब अगर ये चीज़ अगर बिल्कुल ये होता तो सर, अगर आपका तरफ से अगर एक मैसेज भी मिल जाता तो हम लोग उसी समय हम लोग होशियार हो जाना था। लेकिन सर देखिए, आज हम लोग का साथ में हम लोग का बहुत धोखा हुआ है और हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है सर। तो इसी के लिए आपसे मतलब आपको हम अपील करते हैं, आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज़, सब हम अकेला ही नहीं, सभी जनता का तरफ से, और बहुत सारे लोग असम से है और पूरा और इंडिया में, पूरा ऑल इंडिया में ये चीज़ तो मतलब हर जगह जगह में, हर घर घर में मतलब ट्रेडिंग एफएक्स
का मेंबर है, तो सभी का तरफ से सर प्लीज़ काइंडली हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप जैसे भी हो मतलब हम लोग को इस चीज़ में हम लोग को मतलब न्याय दिलाइए सर, क्योंकि आपका हाथ में सब सिस्टम है सर, आप एक मतलब जो भी हो यहाँ का मतलब एक बहुत सिस्टम को चलाने वाला अब एक मतलब ये है, तो इसी के लिए आपको वही बात को सोच समझ के आपको सर हम प्लीज़ सभी का तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को सर जो भी हो ये जो जो लोग अभी देखिए बैंक में पैसा वैसा जो इन्वेस्ट करके रखा है जो भी करके रखा है सर, उन लोग बहुत तकलीफ हो रहा है हर दिन मतलब ये करते हैं, तो सब दुखी में है सर, तो वही है हम लोग का मोटिवेट होने का कारण तो आपको तो बता ही दिया, जब इन लोगों ने जाके आपको जैसे कि 5 लाख रुपीज़ का जब आपको चेक दिया था, तो उन लोगों ने उसी बात पे भी हम लोगों को मोटिवेट किया था कि देखिए हम लोगों का साथ हम लोग का चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हम लोग को थोड़ा सपोर्ट किया बोल के बोलने का बात में हम लोग मोटिवेट होके उस चीज़ में हम लोग को मतलब उस चीज़ में हम लोग आकर्षित होके हम लोग इस काम को करने में मजबूर हुआ है और तो आगे बढ़ा है, हम लोग को उत्साह जाग गया कि हम लोग को मतलब एक जुनूनी पैदा हो गया, मतलब हम लोग एक सही में फर्स्ट टाइम हम लोग कोई एक जेन्युइन चीज़ में जेन्युइन प्लेटफॉर्म में हम लोग कदम रखा सोच के हम लोगों ने मतलब इसमें ये करने लग गया, तो हम लोग को न्याय दिलाइए सर सबसे पहले मतलब, और ये जितना लोग है अभी ये सिस्टम को बनाने वाला जितेंद्र सिंह दहिया, नरेश दहिया और जितने भी फाउंडर मेंबर्स, और जितेंद्र सिंह दहिया और नरेश दहिया को तो सीधा सीधे बोलेगा क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को आके प्लान दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों को प्लान दिखाने वाला यहाँ का जितना भी असम का जितना भी फाउंडर मेंबर है जिसका नाम हमने अभी पहले बताया है, कृष्णा प्रसाद भूमिज, रंजित काकोटी, विश्वजीत कौर से लेके ये 6-7 मेंबर्स जितना है, इन लोगों का कहने पर इन लोगों का ये होने पर ही हम लोगों ने ऐसे किया था, तो आज इन लोगों ने बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया, बहुत सारा करोड़ करोड़ रुपया का जगह जगह में जमीन खरीदे, जगह जगह में क्या क्या खरीदा है, तो उस सबको देखते हुए सर हम लोग का और उस वही चीज़ को लेके हम लोग का सामने में आया, तो उन लोग को देखते हुए अरे अगर वो सक्सेस हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ को किसी दूसरे से देख के ही सीखते हैं, कोई भी छोटा मोटा चीज़ को अगर हम लोग सीखने के लिए कोशिश करते हैं कोई दूसरा व्यक्ति को देख के ही सीखते हैं, तो इसी के लिए वही चीज़ के लिए हम लोग मतलब बहुत दुखी है, तो सर इन लोगों का पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख का साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोग आज हम लोग का साथ में नहीं है, क्योंकि जो कि पहले मैं बोला करता था कि बिजनेस लाओ तो सब कुछ इन लोगों ने जैसे ही मतलब सब कुछ प्रूफ मतलब उन लोगों ने हम लोग को दिखाने का बाद में हम लोगों ने जो बिजनेस लाया, और आज ये सिचुएशन में आज ये सब लोग गायब है, सब लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के अपना अपना घर परिवार को बढ़िया से दे के वो लोग सब चुपचाप हो गए, कहीं छुप के बैठा हुआ है, तो इसी के लिए हमको बहुत दुख का साथ बोलना पड़ रहा है, और एक बात है तो ये चीज़ में हम लोगों को गुमराह भी किया होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग को जितना हम लोग को जो चीज़ को हम लोग को सफाई से दिखाया जाता है हम लोग उसी चीज़ को सफाई दिखाई देता है, तो इस चीज़ में जो ये अंजन पुजारी ने जिस समय आवाज़ उठा रहा था तो उस समय में आवाज़ क्यों उठाया, पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाया, आपको आवाज़ उठाना ही था तो पहले नहीं उठाया, अभी इतना सारा आदमी को घुसाने का बात में इतना सारा आदमी ने पैसा ये करने का बात में उसका बाद में जाके ये आवाज़ को क्यों उठाया है, अच्छा उठाया है तो आखिर में अपने आप को कैसे मतलब पैसा वैसा डिमांड करते हुए वो मतलब साबित करवाया, ये चीज़ को हम समझ में नहीं आया, ये चीज़ को हमको समझ में नहीं आया, तो पता नहीं मतलब इसमें बीच में हम कितना कितना किसको किसको क्या क्या बोल रहे हैं, तो इसमें हमको भी खुद ही मतलब अभी ना हम लोग बुड़बक बन चुका है, हम लोग को बुड़बक बना दिया, और जो भी हो सला ये सब मास्टर माइंडर लोग ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मास्टर माइंड करते हैं और फंसता हम लोग है, हम दोबारा मतलब जितना भी हम लोग का ये सिस्टम को चलाने वाला सभी को हम ये कर बोलना चाहता है कि प्लीज़
इस तरह का फालतू वाला सिस्टम मत लाओ, वो भी नोटिस को ही मिलता है क्या? और नोटिस का नहीं, ऑल इंडिया में ये चल रहा है, और इतना में ये साधारण जनता, ये हम लोग का ऐसे जो भोला भाला आदमी लोगों को क्यों इस तरह यह करता है? इस बात के लिए आज बहुत दुख का साथ हमको बोलना पड़ रहा है कि मतलब बहुत सारा लोग बात बोलने नहीं सक रहा है, मतलब इस टाइप का ये हो रहा है कि बहुत मतलब आदमी लोग जो है ना बहुत तो ये ऐसे होके हमको फोन करता है। कोई देखिए, कोई अच्छा अच्छा आदमी का इमेज को खराब होने दिया है, जो समाज में सोसाइटी में जो जिसका इमेज इतना अच्छा था उनको टारगेट किया है, उनको ये किया है, उसका बाद में वैसे करके बहुत सारा आदमी का मतलब ये करके बैठा हुआ है। आज ये मेंबर्स लोग कहाँ गया, ये इतना सारा लोग, ये लोग क्यों घुस के बैठा है? इसी के लिए मतलब इन लोगों का ऊपर एक्शन लेना चाहिए, मेरा तरफ से वही एक अपील है, मतलब ये लोग को छोड़ना नहीं है, सीधा सीधी बात है। और आज देखिए, आज अभी मेरा भी देखिए, हमने भी ट्रेडिंग एफएक्स का आशा करके हमने भी किसी से मतलब थोड़ा पैसा कुछ लिया था, मतलब वो पैसा को भी अभी लेना है, 10% में हमने पैसा लिया था, तो पैसा को भी अभी हम उसको रिटर्न करना है। अभी मेरा पास 10 रुपया तक भी मतलब एक 40 कौड़ी मेरा हाथ में नहीं है, ऐसा तकलीफ हो रहा है। ये घर जो देख रहा है, ये भी हम ये घर भाड़ा में दे के बैठता है, ये भाड़ा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, घर में चावल खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और उसी पड़ोसी से हमको चावल ये करके थोड़ा मोड़ा वो करना पड़ता है। अगर अपना मिसेस कोई अगर वो 10 रुपया कुछ खाने के लिए मांगता है तो उसको देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा हालत होके बैठा है। और जाएगा भी जाएगा, अभी कुछ काम करेगा भी क्या काम करेगा? और इतना सारा हम लोगों को मतलब इतना सारा हम लोगों को सपना दिखाया, इतना सारा ये किया है, और उसके बाद में इतना ऊपर से ये होने का बाद में, और इतना इसमें जब हम दिल लगा के काम करने लगा तो ये सिस्टम को ये सब बंद करवा दिया। सेबी का सर्टिफिकेट है सबसे पहले बोला, लेकिन उस समय में सेबी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, तो उन लोगों को पूछा तो बोला है, तो फाउंडर मेंबर लोग है, खास करके कृष्णा प्रसाद भूमिश, इसी ने तो सीधा हमको बोला है कि हम लोग को पागल कुत्ता नहीं कहता है, कंपनी को हम लोग एग्रीमेंट किया है, सब कुछ देख के लेके आए, वो खुद को एक लॉयर बताया था, हम भी एक लॉयर है, हम जानते हैं सबको बताया, तो हम भी सोचा, हम लोग भी सोचा कि हाँ यार एक तो लॉयर है तो, और रेलवे का एक क्लास कॉन्ट्रेक्टर है बोल के बताया था उन्होंने, तो उन्होंने इतना बताने के बाद वो बोला था कि हम लोग को पागल कुत्ता नहीं कहता है कि हम लोग फालतू वाला सिस्टम को यहाँ में लेके आएगा, ऐसे बोला था। तो उस चीज़ के लिए हम लोग उसमें ये हो के हम लोगों ने उसमें काम करने के लिए शुरू किया। अभी इतना सारा मेंबर्स लोग का पैसा उसमें फंसा हुआ है, तो वही है बात, तो इतना सारा पैसा फंसा हुआ है, तो वो पैसा को हम लोग कहाँ से मतलब कैसे उसको वसूल करना है? तो इसी के लिए तो वही है कि हम फिर से अगेन हम माननीय चीफ मिनिस्टर सर को हम ये करते हैं कि प्लीज़ सर, आप ही हम लोग को कुछ कर सकते हैं सर, बहुत आशा कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा काल परसों शायद हम खुद का जाने खुद ले बैठेगा, लेकिन इसका जिम्मेवार लेकिन कौन कौन होगा, लेकिन इसमें कोई नहीं बोल सकता, ना फाउंडर मेंबर को बोलेगा, ना ये ट्रेडिंग एफएक्स को बोलेगा, ना जो कंपनी के ऊपर जो वो क्लेम किया था, जो कंपनी का जो आवाज़ उठाया था, जो अंजन पुजारी को बोलेगा, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के लिए क्या सच है क्या झूठ है वो बात को हम लोग को थोड़ा से बताइए, और हम खुद अगर हम जिंदा रहा तो नॉर्थ ईस्ट का अंडर में हम बोल रहे हैं, अगर हमको जहाँ जहाँ समझ में आया वो जगह में हम मतलब इस टाइप का मतलब सिस्टम को चलने नहीं देगा, हम खुद ही नहीं देगा हम, वो मेरा एकदम मतलब आप लोगों से मेरा यही एक कमिटमेंट है। और एक सिस्टम चल रहा है अभी, पहले में एक तो YBY चल रहा था, सेम टू सेम YBY नाम का, YBY का जैसा वाला सेम टू सेम एक तो KYO करके क्यो फंड बोल के एक तो चल रहा है। हमको पता है अभी ये YBY का दो आदमी को शायद गुवाहाटी में शायद उसको अरेस्ट करके रखा है, लेकिन और प्लस अभी KYO करके एक तो चल रहा है, अगर आवाज़ उठाना है तो ये चीज़ में भी आवाज़ उठाइए, ये चीज़ में भी आवाज़ उठाए, क्योंकि ये भी आदमी को स्कैम करेगा, कोई ये लोग का वेबसाइट नहीं है, कोई ये लोग का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर ट्रेडिंग एफएक्स का साथ इतना सारा डॉक्यूमेंट्स होने का बाद भी ट्रेडिंग एफएक्स अगर
मतलब स्कैम या इलीगल घोषित किया जाता है तो ये KYO जैसे वाला, FKB या YBY जैसे वाला, ये लोग कैसे चल सकता है? ये सबको डेफिनेटली हटाना पड़ेगा। बाद बाकी को हमें मालूम नहीं है, बहुत सारा चल रहा है और ये सब कैसे चल सकता है, तो इसका ऊपर भी हमको आवाज़ उठाते हुए हमको मीडिया में दिखना है। तो नेक्स्ट बात ये हो गया। अभी सेबी का सर्टिफिकेट जो NIC का जो सर्टिफिकेट था, अभी NIC का जो ये DB इंटरनेशनल का जो एक ये ऑथोराइज पर्सन बोल के बताया गया था आपका ये सब ब्रोकर ये सर्टिफिकेट, अच्छा ये सर्टिफिकेट को भी आज कैंसिल कर दिया बोलकर नज़र आ रहा है। तो ये सर्टिफिकेट को अगर कैंसिल करना ही था तो दिया किस लिए है, हम ये बात को समझ में नहीं आ रहा। कैंसिल करना ही है तो दिया किस लिए है, क्यों हम लोगों को पीसा, क्यों हम लोगों का माथा में क्यों ये माथा में क्यों मारा है, हम लोगों का गलती क्या है, हम लोगों का मतलब क्या ये था कि हम लोगों को इतना तकलीफ मिलना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेगा इसी समय में, क्या करेगा इस समय में, हर आदमी तो कुछ गलत डिसीजन लेगा। हम लोग क्या चोर करेगा, डाकू करेगा, अभी किसी को पैसा देना है क्या देना है, क्या चोर करेगा ना डाका डालेगा ना दलाल करेगा ना क्या करेगा, हाँ अगर ये सब भी करने के लिए होने से वो सब तो हम लोग से तो नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ये है। अभी और कुछ नया काम करेगा तो क्या काम करेगा हम लोग। मेरा नज़र में जितना तक भी आपकी ट्रेडिंग एफएक्स को हम जितना भी देख रहे हैं, फिन एक्सपर्ट ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका सिस्टम जितना भी हम देखा था वो सिस्टम, लेकिन हम जो भी हो इसी सिस्टम का वजह से बहुत सारा लोग का घर चल रहा था। पता नहीं क्या चीज़ में जाके मतलब ये मतलब ना डिफॉल्ट दिखाया है और क्या चीज़ में ये हो के ये किया है, तो वही है। तो हम बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है, मतलब बोलने के लिए तो बहुत सारा बात है लेकिन वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। और प्लीज़ जितना भी मेंबर्स लोग ये वीडियो को देख रहे हैं जितना का इतना शेयर कीजिए ताकि हम लोग का CM साहब तक पहुंच सके। अगर हाँ, और एक बार हम इसी वीडियो का माध्यम से हम और एक मैसेज हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जितना भी ये मेंबर्स लोगों ने हम लोग का साथ धोखा किया है, आप लोग प्लीज़ हम लोग का साथ आइए, ये लोगों को छोड़ना नहीं है। और सीधा सीधी और इसी वीडियो का माध्यम से जो वो लोग तो दूसरा सिम लेके वो लोग तो नेट में तो देख ही रहा होगा ना, यूट्यूब में तो देख रहा होगा, और इसी वीडियो के माध्यम से हम बोला जो जो लोग हम लोग को ना झूठ बोल के या हम लोग का गुमराह करके अगर हम लोग को इस चीज़ में सिस्टम में अगर लाया है ना, आप लोग अगर हम लोग को मार के अगर आप लोग अगर पैसा बनाए ना, देखो हम सीधा बोल रहे हैं, आप लोग का 7 पुरुष तक आप लोगों ने कोई शांति नहीं मिला। और हम लोग को जो लोग तकलीफ दिया, जिसका जिसका वजह से भी तकलीफ मिला है, हम सीधा सीधी बोलेगा जिसका जिसका वजह से, शुरुआत से हम नाम लेके अभी तक हम नाम ले रहे हैं, हम बोल रहे सीधा देखो कीड़ा पढ़ के मरेगा तुम लोग, कीड़ा पढ़ के मरेगा, सही का ये हम मेरे दिल से हम बोल रहे हैं, और शांति नहीं मिलेगा, सही का बोल रहे हैं। अभी हमको एक ही बात लग रहा है कि अभी ये 3-4 लाख आदमी जो है ना, 3-4 लाख आदमी में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और 3-4 लाख आदमी अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा ना, कसम से बोलता है कोई नहीं बचेगा, ये लोग कोई नहीं बचेगा, जो जो मतलब ना ये हम लोग को गुमराह किया या जो भी किया है, हम लोग को जो लॉस होने दिया है, कोई नहीं बचेगा, ये 3-4 लाख आदमी इकट्ठा हो जाना चाहिए, हम ये बात को बोल रहे हैं। इसमें मेरा कोई बेनिफिट तो मेरा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मतलब मेरा साथ जो हुआ है आपका साथ हो, हम इसी के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग भी यहाँ में घुस के अगर काम करने लग गया तो हम लोग कैसे, हम लोग जैसे जनता गरीब साधारण जनता तो क्या है, ऐसे भी लेबर क्लास का लो क्लास का आदमी है, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। तो वही है, बहुत दिन से उम्मीद करके बैठा है कि ट्रेडिंग एफएक्स का सिस्टम ठीक होगा, और हमें ऐसा ये नरेश देखिए 110% ये लास्ट स्टेज में अभी घंटा लास्ट स्टेज में है, दिमाग खराब हो गया। अगर मिलेगा तो ना कसम से बोल रहे हैं, अगर कुछ इलीगल हो गया, अगर मतलब हम लोग का साथ सही में फ्रॉड हुआ है, अगर ये हो गया हम मिलेगा तो कसम से बोल रहे हैं सारा मीट काट के खाएगा, लोग मीट का कच्चा सबा के खाएगा कच्चा, ऐसे हमको गुस्सा हो रहा है कसम से बोल रहे हैं, उसको ना कच्चा सबा के खाएगा हम, ऐसे मतलब खून खोल रहा है, मतलब अभी मेरा इतना तकलीफ हो रहा है। अभी देखिए कल को किसी को पैसा देना है, अभी 50,000 लिया था उसका भी अभी हमको 10% करके हमको 5 तारीख को देने का बात था, लेकिन अभी देखिए आज कितना तारीख 11 तारीख हो गया, वो सब चीज़ को हम मतलब नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम क्या करेगा कैसे करेगा, लेकिन अगला तो समझेगा नहीं ना वो, तो
वो तो लिया है तो दो बोलेगा, नहीं तो मेरा घर से कुछ सामान उठा के ले जाएगा, ले जा भी सकता है या कुछ भी कर सकता है, वो तो हम अभी नहीं बोल सकते। अगर वो दयालु है तो मान जाएगा, अगर दयालु नहीं है तो शायद अभी उसका तरफ से वो एक्शन लेगा, हम क्या करेगा। अभी मर जाना ही बेहतर है हमको। लेकिन ये सब का कारण ट्रेडिंग एफेक्ट्स में आने का वजह से हुआ है, वही बात को हम बोलना चाहता था। अगर हम कल हम शायद हम बाद में लाइव भी आ सकता है, हम लाइव भी बात करेगा, लेकिन हम ऑफलाइन वीडियो शायद ये डायरेक्ट ये वीडियो जो थोड़ा शॉर्ट में हम वो करने, क्योंकि लाइव आने से बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, कोई इसमें इतना वो नहीं होता है, लेकिन हम इसी के लिए बोल रहे हैं। और इसका जिम्मेवारी हाँ ट्रेडिंग एफेक्ट्स को बंद करवाने से लेके ज्वाइन करवाने से लेके बंद करवाने से लेके हर एक एक वो व्यक्ति होगा, हम लोग का सारा अगर कुछ होता है तो। अगर हम सीधा सीधी बोल रहे हैं 3-4 लाख आदमी अगर फिर इकट्ठा हो जाएगा ना, सही में बोल रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ होने वाला है। इसी इतना ही बात को बोल के हम मेरा वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वही है, तब तक के लिए प्लीज़ दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, और मेरे ख्याल से दिल को छोटा नहीं करने से ठीक है, और ये वीडियो को जितना सकता है उतना शेयर कीजिए, प्लस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, और इस तरह का कुछ भी आपको जानकारी मिलते रहेगा या कुछ ये कुछ मेरा दिल से कुछ मैसेज अगर कुछ करने का अगर स्टेप निकलेगा तो उस मैसेज को हम मतलब यूट्यूब में ये करेगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा हम सही बात बोल रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं, प्लीज़ हमको ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इतना ही बोल के मेरा बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।